हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम, और ये ना हमारी कोई क्लास है और ना ही कोई हमारा रिवीजन क्लास है। ये हमारी एक नोटिस है। आज से हो सकता है आपकी नोटिस की जो वीडियोस हैं वो मैं आपको ले प्रोवाइड कराता रहूं यहां पर। तो ये एक नोटिस है जो आई है आपके ALP से रिलेटेड। ALP का एग्ज़ाम जो अभी पिछले साल हुआ था, काफ़ी लोगों ने उसको दिया, काफ़ी लोग क्लियर भी किए। सेकेंड स्टेज का रिजल्ट आया था 5 तारीख को, 5/04 को इसका रिजल्ट आया था, जिसमें काफ़ी लोग निकाले होंगे। नॉर्मल सी बात है, जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे वो लोग निकाले होंगे। कुछ लोग रिजल्ट आने के बाद कुछ लोगों ने जो है कंप्लेन की है, जिसकी वजह से जो है ये रिजल्ट जो है ये कैंसिल कर दिया गया है, जिसको बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम सीधे देखते हैं ऑफिशियल नोटिस को, उसमें क्या लिखा हुआ है उस बारे में हम बात करेंगे। और आज मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी जो इलेक्शन से रिलेटेड, जो आपका जितना भी कंटेंट है जो इलेक्शन से रिलेटेड पूछा जा सकता है आपसे, 2019 से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया था, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में बताया था, और उससे क्वेश्चन जिस टाइप के बनते हैं वो बताए थे। वहाँ पर एक प्रॉब्लम रही है, माइक थोड़ा सा क्या कहते हैं, माइक की जो इंटेंसिटी होती है वो किसी ने सेटिंग में थोड़ी कम कर दी थी, वो मैंने नोटिस नहीं किया, जिस वजह से आवाज़ थोड़ी सी कम आई है। उसके लिए मैं आपसे सभी से क्षमा चाहूँगा, और आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें ऐसी गलती नहीं होगी। तो आप लोग जाके उसको एक बार देख सकते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है कभी किसी वीडियो में, तो जब कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता है थोड़ा सा खराब लगता है। अब हम बात करते हैं आज के नोटिस के बारे में, जिसके बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो ये है वो ऑफिशियल नोटिस जिसके बारे में बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इस पर सबसे पहले तो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में लिखा हुआ है, फिर बताया गया है उस पोस्ट की जो जो क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट जो निकला था उसका नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद बताया गया है कि ALP एंड टेक्नीशियन से रिलेटेड जो पोस्ट थी उसके बारे में ये सूचना है। सूचना क्या है, पोस्टपोनमेंट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट शेड्यूल्ड ऑन 16 अप्रैल, जो 16 अप्रैल को आपका टेस्ट होने वाला था उसको जो है रीशेड्यूल कर दिया गया है, और उसकी जो डेट है और जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में ये नोटिस निकाली गई है। करना क्यों पड़ा है, इसका रीजन इन्होंने पहले ही पैराग्राफ में दिया हुआ, द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विद द लिस्ट ऑफ द प्रीवियसली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट वॉज पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB ऑन 5 अप्रैल 2019। इन द लाइन ऑफ RRB पॉलिसी ऑफ ट्रांसपेरेंसी एट एवरी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट कैंडिडेट हैव बीन प्रोवाइडेड द फैसिलिटी टू रिव्यू द क्वेश्चन पेपर विद देयर रिस्पॉन्स एंड द फाइनल की। इन्होंने बोला है कि जो आपकी RRB है उसने अलग हर स्टेज पे जो है ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए क्या है पेपर अवेलेबल कराया है आपको, पेपर और क्वेश्चंस के साथ में पूरी मतलब जो पूरा डिटेल है जो आपकी आंसर की है वो पूरी डिटेल आंसर की प्रोवाइड कराई है, और आपके पास ये सुविधा है कि आप उन सभी आंसर्स को रिव्यू करने की और उनके बारे में सजेशन देने की आपके पास कैपेबिलिटी है। आफ्टर पब्लिशिंग द रिजल्ट RRB हैव रिसीव सर्टेन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स पर्टेनिंग द आंसर की इवेल्युएशन एंड एक्चुअल स्कोर नॉर्मलाइजेशन ETC। RRB आर स्क्रूटनिंग दीज जो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने जो भी कहा है सो उनके बारे में जो इनको थोड़ा टाइम चाहिए, जो भी इनके सामने रिप्रेजेंट की गई हैं समस्याएं उनके लिए इनको टाइम चाहिए, और इसी टाइम को लेने के लिए उसी चीज़ को री इंश्योर करने के लिए इन्होंने जो है एक तरीके से पुराना वाला जो आपका वो था उसको कैंसिल कर दिया है। यही चीज़ उन्होंने आगे आने वाले पैराग्राफ में लिखी हुई है कि जो चीज़ें इन्होंने जो रिजल्ट इन्होंने दिया था उसको एक फिर से रीइंश्योर करने के लिए फेयरनेस एंड ऑल द कैंडिडेट्स उन सभी चीज़ों की जो जो भी रिजल्ट दिए गए उनकी फेयरनेस को चेक करने के लिए इनको थोड़ा सा फिर से टाइम चाहिए होगा। तो इस वजह से क्या हुआ है, इन व्यू ऑफ द अबव द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट शेड्यूल्ड ऑन 16 अप्रैल 2019 इज पोस्टपोन्डेड एंड द रिवाइज डेट ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी अनाउंस्ड सून। तो जो आपकी रिवाइज डेट है उस डेट के बारे में यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, तो आपको बस ये इतना बता दिया गया है कि जो आपका 16 तारीख का टेस्ट होने वाला था वो अब कैंसिल हो चुका है, बस इतनी सी जानकारी है। इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी कुछ नहीं दी है। जो रिजल्ट आया था जो लोग पास हुए थे उनको परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है रिव्यूइंग में कुछ लोगों का जो कुछ परसेंटेज है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, तो जो पॉइंट्स वाले लोग हैं जो पॉइंट्स में कट ऑफ पे लटके हुए हैं उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जो लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं उनको टेंशन नहीं है, और जो लोग थोड़े बहुत रहे होंगे आसपास या थोड़ा कम ही नंबर लेके आए हैं तो उनको टेंशन नहीं है, टेंशन है जो लोग कहीं ना कहीं कट ऑफ के आसपास हैं। तो ये था पूरी जानकारी जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के थ्रू, और कुछ ऐसी जो जानकारियाँ होंगी वो मैं लेके आता रहूँगा आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर, और मेरा जो लेक्चर क्लास चलता है पर डे शाम को 7 बजे वो आपको कंटिन्यू प्रोवाइड होता रहेगा। अगर आपको कंटेंट वहाँ पर पसंद आ रहा है तो आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। ये जो कंटेंट नई नया कंटेंट या कह लीजिए नोटिस का जो काम अभी जो नया स्टार्ट किया गया है इसको भी आप लोग पसंद करते हैं तो शेयर कर सकते हैं।
जाते जाते मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो आने वाली क्लासेस हैं वो आपको कंटिन्यू मिलती रहें। आरआरबी जेई का बैच कंटिन्यूस चल रहा है, इस चैनल पर आपको शुरुआत से ही जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू प्रोवाइड कराई गई हैं। मेरी लेक्चर्स की अगर बात की जाए तो मैंने जियोग्राफी की 26 और आपकी हिस्ट्री की लगभग 30 क्लासेस पूरी कंप्लीट करा दी हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल वीडियोस भी हैं। मैथ में अगर बात की जाए तो 45 से 46 वीडियोस लग 46 लेक्चर्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी तरीके से रीजनिंग का भी है। तो इतना जो है वो पोर्शन जो है आपका वो कोर्स का कंप्लीट लगभग करा दिया गया है। रीजनिंग का वो कोर्स भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। रीजनिंग वाले जो सर हैं आपको बताते रहते होंगे, वहाँ पर सिर्फ लॉगिज्म बच रहा था जो कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को लिखने की वजह से थोड़ा सा अभी डिले कर दिया गया था, बस और कुछ नहीं। तो वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट करा दिया जाएगा। इस तरीके से रीजनिंग का कोर्स बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो हमेशा से ही हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है, कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कवर कराने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टाइम से कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए, और जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है फिर हम बाद में साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। साथ साथ में मैंने प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किए थे, दो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा चुका हूँ। रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते रहें। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।